हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम। ये सम काफी अलग है, डिफरेंट टाइप का सम है। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आप लोग को पूरा सम समझ में आए। बहुत ही अलग है बाकी सब सम्स से। देखो, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन एन हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पोजीशन, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड। एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। They meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hours. What are the speeds of two car? What are the speeds of two car? Okay. अभी तो कुछ words मैंने यहाँ पर question के अंदर underline किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, आपको speed calculation करनी है। हमारे पास दो अलग अलग कार है, दो अलग अलग पोजीशन पर है, एक ए और दूसरी बी। तो क्या हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स। मतलब जो कार ए पोजीशन से स्टार्ट करी, दो अलग अलग पोजीशन है, एक ए और दूसरी बी, तो अगर जो ए से स्टार्ट करी उसकी स्पीड एक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी वाई। याद है, क्लियर हुआ। अभी ये क्या डायग्राम सर आपने बनाया हुआ है, ये आपको एक्चुअल में समझाने के लिए बनाया हुआ है। देखो, हमारे पास दो पोजीशन है। अब ये डायग्राम मैं शांति से एक्सप्लेन करूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा। एक ए पोजीशन है, दूसरी बी पोजीशन है। दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी एक फोर व्हील है, ठीक है, यहां पर भी एक फोर व्हील है, ठीक है, ऐसी कुछ गाड़ी समझ लेते हैं। यहां पर भी एक फोर व्हील है, ओके, और यहां पर भी एक फोर व्हील है, ओके। यहां पर भी एक फोर व्हील है। अब ये दोनों फोर व्हील्स यहां पर पहुंचने वाली है सी पोजीशन पर, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में पहुंचने वाली है। अब दोनों 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, मतलब ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग को बोला है कि सेम टाइम, लेकिन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम तो कितना है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट, दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब इसको सी पोजीशन पहुंचने में भी 5 घंटे और इसको भी कितने लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसको भी 5 आवर्स, इसको भी 5। तो अगर मैं पहले के लिए कैलकुलेट करता हूं, फर्स्ट के लिए, यहां ध्यान से देखना कि टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। ये आपको रिलेशन पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोग कार ए के लिए करते हैं, फॉर कार और एक काम करते हैं, इसको कार वन दे देते हैं और इसको कार टू दे देते हैं। सेम ही स्पीड ऑफ कार वन कार टू। सो फॉर कार वन क्या हो जाएगा, 5, है ना, टाइम 5x। डिस्टेंस ए से लेकर सी तक, मतलब ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन स्पीड ऑफ कार वन कितनी है, x। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC। सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूं। इसका मतलब कि बंदा A से C तक गया तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5x कवर किया। अभी इतना समझो, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो समझते जाओ। सिमिलरली
Similarly, for car to, दूसरी कार के लिए करते हैं, तो दूसरी कार के लिए भी सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसको भी पांच घंटे लग रहे इज इक्वल टू डिस्टेंस बी से सी तक, दैट इज बी सी, अपॉन स्पीड क्या है वाई, तो ये क्या हो जाएगा फाइव वाई इज इक्वल टू बी सी। तो सर यहां तो कोई इक्वेशन नहीं बनी, ये तो कुछ अजीब सा ही इक्वेशन बना रहा हूं। अब देखो यहां पर लिखा है सेम डायरेक्शन, कहां गया ये रहा, मींस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन, तो ये देखो ए डैश बी डैश सी, ये नाइन्थ में कुछ देखा होगा, दिस इज एक्चुअली अ कोलिनियर डायरेक्शन, मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। तो अगर मुझे कोलिनियर का एडिशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या करना पड़ेगा बी सी। समझ में आ रहा है कि अगर मुझे ए सी चाहिए तो मुझे ए बी प्लस क्या करना पड़ेगा बी सी। तो देखो ए सी कितना आया है फाइव एक्स, ए सी कितना आया है फाइव एक्स, ए बी कितना आया है, ए बी आप लोग का आ गया है, ए बी कितना आया था कहां गया ए बी, या ए बी कितना दूर है एक दूसरे से, कितने दूर है हंड्रेड, सो यहां पर कितना आ जाएगा हंड्रेड। बी सी, बी सी कितना दूर है, बी सी है आपका फाइव वाई, सो देखो देयर फॉर फाइव एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू हंड्रेड, क्या हो गया ये प्लस था साइड चेंज की तो माइनस, तो यहां से फाइव कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड। मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे हम लोग, सो क्या हो जाएगा देयर फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन फाइव, सो देयर फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी जा, मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया ट्वेंटी। देखो थोड़ा समझने के लिए टफ है, मैं जानता हूं ये आप लोग के लिए नया है, लेकिन मैंने हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन करके आपको दिखाया है कि जितना इजी हो सके उतना इजी है मैं। तो अभी तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, अगर यहां तक किसी को डाउट रह गया होगा तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या तो नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो सके उतना मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको दिखाया है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन बनाने वाले हैं, तो आप लोग इतना कॉपी डाउन करो, उसके बाद में सेकेंड कंडीशन का बताता हूं आपको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी सेकेंड कंडीशन बनाते हैं। सेकेंड कंडीशन के लिए देखो क्या है, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे के सामने, दे मीट इन वन आवर। तो देखो यहां पर मैंने कुछ एरो मार्क किए कि भाई ये भी इधर आ रहा है ये भी इधर आ रही है, मतलब यहां पर जो हमारी कार वन थी, ठीक है, यहां पर जो कार वन थी और यहां पर हमारी कार टू थी, एक दूसरे के तरफ आ रही है, तो समझो कि वो सी पोजिशन पर मिल रही है, तो वो दोनों कितने घंटे में मिल रही है वन आवर्स में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्स, राइट, कार वन है इसलिए, जैसे फाइव एक्स हुआ था, रिवाइंड करके देखो, और ये हो जाएगा वाई, दोनों का प्लस करके वो टोटल कितना, दोनों को कितना कवर करना पड़ेगा 100 किलोमीटर। क्यों? बिकॉज समझो आपने अपने फ्रेंड को बोला तू ग्राउंड पर आ, और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला मैं भी आता हूं, अब हम दोनों के बीच में फासला है 100 किलोमीटर का, तो मान लो मुझे ग्राउंड पर जाना है, वो वहां से आ रहा है, तो मैं 60 कवर करूंगा और वो कवर करेगा 40, तो दोनों मिला के कितना कवर करेंगे 100, मतलब हम एक पोजीशन पर मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का फासला है, तो दोनों को मिला के उतना कवर करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे आपका स्कूल है, अब मैं मेरे स्कूल से 30 किलोमीटर दूर हूं और मेरा फ्रेंड उधर वो साइड और दूर है, ठीक है 60 किलोमीटर, लेकिन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस है 90, तो मैं यहां से 30 आऊंगा, वो वहां से 60 आएगा, तो 90 कंप्लीट होगा ना। समझ में आ रही है बात, मतलब दोनों को मिला के कितना कवर करना पड़ेगा 60। मींस इसका जो इक्वेशन बनेगा वो सिंपल है, इसका इक्वेशन बनेगा इफ दे ट्रैवल towards each other
towards each other. They meet in 1 hour. So therefore, x plus y is equal to 100. Means, so कितना हो जाएगा? X plus y is equal to 100. ये आ गया हमारे पास equation 2. Already देखो मैंने वहाँ पर equation 1 लिखी हुई है. X minus y is equal to 20. किसको cancel करते हैं? सीधा y को cancel करते हैं. Because plus है minus है. अब देखो अब easy है. अब ज़्यादा सोचना नहीं है. Direct add 1 and 2. Add 1 and 2. तो क्या हो जाएगा? X minus y is equal to 20. तो x plus y is equal to 100. तो y cut. तो 2x is equal to 100. तो x is equal to 100 upon 2. तो x is equal to 50. मतलब x कितना आ जाएगा? X आ जाएगा 50. Means जो कार 1 थी उसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर. पुट x is equal to 50 in equation 1 मतलब ये. तो x minus y is equal to 20. So x कितना है? 50 minus y is equal to 20. तो minus y is equal to 20 minus 50. प्लस था, साइड चेंज की माइनस हुआ, तो माइनस y, तो माइनस 30 प्लस माइनस, बोथ द साइड माइनस विल गेट प्लस. तो यहां पर 120 आएगा और यहां पर 120, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 120, तो यहां पर आ जाएगा 60. तो आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यहां यूज करना पड़ेगा 60. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 60, यहां आ जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40. तो both the side minus will get, that is what, 40. मतलब y कितना आ जाएगा? 40. ठीक है, यहां पर मेरी गलती हुई थी, यहां पर प्लस माइनस की एक मिस्टेक थी, वो जरा चेक कर लेना. यहां पर 60, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 40. ओके, मींस जो आपकी स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मींस जो अगर ए स्पीड से स्टार्ट होगी तो उसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो बी से स्टार्ट हो रही तो उसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर. तो आई होप आप लोग को ये पूरा सम समझ में आया होगा. अगर सम के अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ लेना, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा. कमेंट में नहीं पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो. चैनल के लिए नए हो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाओ ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. और टीचिंग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.